प्रथम तहलका न्यूज। हिसार के सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में चल रही पांचवी एलीट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के तीसरे दिन एक से बढ़कर एक मुकाबले हुए। इस दौरान महिला बॉक्सर ने अगले राउंड में प्रवेश के लिए अपना पूरा दमखम दिखाया। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हरियाणा मुक्केबाजी संघ के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में तीसरे दिन कुल 56 मुकाबलों का शेड्यूल रहा। इन मुकाबलों में कई वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता, एशियन गेम्स पदक विजेता और नेशनल विनर खिलाड़ियों ने अपने मुक्कों का दम दिखाया। उसके बाद मैं 2018 में यूथ ओलंपिक खेली थी और फिर 2019 में मैं सीनियर नेशनल थी, मेरी पहली नेशनल थी, उसमें मैं चैंपियन रही थी। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया था उस नेशनल से मैंने कि मेरी पहली नेशनल है और मैं सीनियर में चैंपियन हुई हूँ फर्स्ट नेशनल में, क्योंकि अच्छे अच्छे बॉक्सरों को रहा था मैंने। और फिर कैंप में रहते हैं हम, 2017 से मैं कंटिन्यू कैंप में हूँ। जैसे मेरी दीदी है हमारे साथ, उनसे एक्सपीरियंस, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनके साथ हम करते हैं तो मैं भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और एक्सपीरियंस भी मिलता है उनसे। इस चैंपियनशिप से यही है कि चैंपियन होना और वर्ल्ड खेलना है, क्योंकि जिस जो चैंपियन होगा वो वर्ल्ड चैंपियन में जाएगा। यूथ के तौर पर आपने यूथ को वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड भी जीता, तो यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे? यूथ को यही है कि अगर सब टाइम सेम नहीं रहता, कभी डाउन जाता तो कभी अप जाता, तो तब डाउन जाए ना तब मतलब उस टाइम पे हमें फोकस करना चाहिए, किसी से हेल्प लेनी चाहिए या भाई खुद को ये होना चाहिए, इंजरी वगैरह हो जाती है तब हमें ये लगता है कि नहीं अब वापसी नहीं कर पाएंगे, तो या तो किसी सीनियर से बात करें या फिर खुद को मोटिवेशन करें कि नहीं मैंने करना दोबारा से। रेलवे में रेलवे वाले बहुत बढ़ावा देते हैं बच्चों को, जैसे हम नेशनल चैंपियन बने थे 2016 में हरिद्वार में, तो हमें मतलब डायरेक्ट ना कोई ट्रायल ना इंटरव्यू कुछ नहीं, मतलब डायरेक्ट जॉब मिल गई थी हमें, टैलेंट कोटा बोलते हैं उसको। तो ऐसे ही हरियाणा में भी मतलब बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया जा रहा है, अभी तो नर्सरी भी खुली हुई है, 24-25 नर्सरियाँ दी गई थी, तो यूथ बच्चों को स्टार्ट करेंगे तभी हमारी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। मतलब मेडल आने के बाद तो सब पीछे होते हैं, छोटे बच्चों को जो भी बढ़ावा देता है वही सबसे बेस्ट रहता है। शुरुआती मुकाबलों में हरियाणा की यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली नीतू ने अपनी प्रतिद्वंदी राजस्थान की स्वस्ति आर्य को आसानी से 5-0 के अंतर से स्कोर को परास्त कर दिया। इस तरह से रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की तरफ से खेल रही वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर पदक विजेता मंजू रानी ने प्रतिद्वंदी उड़ीसा की भवानी बारिक को 5-0 के स्कोर से हरा दिया। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड विजेता और नेशनल गोल्ड विनर रेलवे टीम की ज्योति ने 50 से 52 किलोग्राम भार वर्ग में अपने सामने घाले की ईवा वाइनी को सीधे मुकाबले में 5-0 से हराकर मुकाबले से बाहर कर दिया। हाँ, 27 को काफ़ी लोग जो हैं शिरकत लेंगे और हमने जो लिस्ट है आपको आज शाम तक हम लोग फाइनल करके आप लोगों को दे देंगे कि 27 को हमारे कितने लोग आ रहे हैं। अभी वो तो शाम को ही आपको बता पाएंगे, आज तो कोई लिस्ट फाइनल नहीं हुई है अभी तक। उनके अलावा कुछ आयोजन को लेकर आपको बताना, कल जो हैं हमारे जो बॉक्सिंग के जो स्टार हैं विजेंद्र सिंह जी जो हैं, कल विजेंद्र सिंह आएंगे 5 बजे जो है, कल हमारे चीफ गेस्ट विजेंद्र सिंह होंगे, विजेंद्र सिंह बॉक्सर जो है ओलंपियन ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो होंगे। इसके अलावा आयोजन को लेकर कुछ किसी तरीके की कोई जो जितने भी खिलाड़ी हैं आयोजन को लेकर जो की गई है इंतजाम किए गए उसको लेकर क्या? देखो इंतजाम को लेकर तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर आप बॉक्सर से बात करेंगे तो वही बता पाएंगे आपको, हमारा आज तक का सबसे अच्छे नेशनल्स में हमारी ये नेशनल होने जा रही है और इतना अच्छा माहौल है कि सभी बच्चे खुश हैं इस सभी चीज़ों से, फूड से, उनके अकोमोडेशन से, हमारे इवेंट से, हमारे वेन्यू से, जो हमारे प्लेयर्स बहुत खुश हैं। इवन है 299 बाउटें होंगी और हमारा 21 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 27 तारीख को फाइनल होगा। हमारे 12 फाइनलिस्ट जो चयन होंगे उनमें से लवलीना जो हमारी ओलंपिक की मेडल का है उसको छोड़ के बाकी वेटू में जो गोल्ड मेडल हैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए जाएंगे। यहीं चाहे जो बच्चियां यहां पर गोल्ड मेडल लेंगी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए जाएंगी और उससे पहले हम लोगों ने बेस्ट रिजल्ट देने के लिए जो इंडिया की टॉप की टीमें हैं 3 आर्मी की, पुलिस की, हरियाणा की, वहाँ से हमने 2-2 टीमें बुलाई हैं, तो यहाँ एक टीम खेल रही है लेकिन जब ट्रायल होंगे 27 तारीख के बाद 28 को वो उन बच्चियों को भी शामिल किया जाएगा ताकि उनको कैंप में मौका मिल सके
और वो आगे आ सकें। जितने मुकाबले हो रहे क्या नॉकआउट मुकाबले हैं सर, सब जो जीत रहा है वही अगले राउंड में जा रहा है? हमारे बॉक्सिंग में अलग अलग डिसीजन होते हैं, जो बच्चा कमज़ोर होता है या जिसको हार्ड पंच लग जाता है उसको रेफरी तुरंत बाउट रोक देता है, उसे बोलते हैं रेफरी स्टॉप द कॉन्टेस्ट, RSC बोला जाता है उसे। और अगर वो हेड से है तो उसमें हेड इंजरी को के रूप में उसे स्ट्रिक्टली डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है 4 हफ्ते के लिए। और उसके अलावा दूसरा डिसीजन होता है विन इन पॉइंट्स। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में चल रही प्रतियोगिता के तीसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ एक्सपर्ट वंदना जाखड़ पहुंची। जाखड़ मानसिक स्वास्थ्य की काफी बड़ी एक्सपर्ट है और नीदरलैंड, कनाडा और अमेरिका में मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में काम कर चुकी है। प्रथम तहलका के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट।